रेशम उत्पादन विकास विभाग बारामूला द्वारा आज किसानों के लिए 5 दिवसीय कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन निदेशक एजाज अहमद भट्ट की उपस्थिति में किया गया। इस दौरान उनके साथ जिला रेशम उत्पादन अधिकारी बारामूला मंजूर अहमद हकीम और रेशम उत्पादन विकास के अन्य अधिकारी एवं पदाधिकारी भी मौजूद रहे। इस अवसर पर रेशम निदेशक ने किसानों को आगे बढ़ने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि रेशम उत्पादन एक घरेलू उद्यम होने के कारण एक आकर्षक उद्यम है। यदि वैज्ञानिक पद्धति से पाला जाए तो केवल 25-30 दिनों में उच्च मूल्य की कमाई की जा सकती है। निरंकश भाई और बहनों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जो 5 रोजा ट्रेनिंग है सिकल अपग्रेडेशन, ये थ्रूआउट जेएंड के हम दे रहे हैं, हर एक डिस्ट्रिक्ट में दे रहे हैं फार्मर्स को, या तो जो इसके साथ डील करते हैं या अगर नए फार्मर या यूथ जुड़ना चाहते हैं उनको भी देते हैं। तो इसमें हम भरपूर इनको जानकारी देते हैं, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, नए नए तरीके क्या हैं इसके, जो अच्छा सीड है वो कैसे हमसे लेंगे, जो वर्म से हमसे कैसे लेंगे, फिर इनको लीफ कहाँ से मिलेगा या अपना लीफ बैंक कैसे बनाएंगे, मलबरी प्लांट कैसे लेना है, उस पर इंसेंटिव क्या है, हर एक चीज़ में जानकारी दी जाती है। सेंट्रल सिलेक्ट बोर्ड के, यूनिवर्सिटी के, हर एक या अपने जो एक्सपर्ट हैं वो इनको बाज़ाबता 5 रोज़ा क्लास देते रहेंगे और कुछ एक्सपोजर विजिट भी होंगे और उसमें पूरी जो भी इनकी क्वेरीज होंगी उनका जवाब भी दिया जाएगा और उनको प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन भी दिया जाएगा, छोटे छोटे वीडियो भी दिखाए जाएंगे और कोशिश रहेगी कि हमारा जो किसान है वो इंटीग्रेटेड फार्मिंग भी करे और सीरीकल्चर जो इसमें 1 महीने का इनका काम होता है इसमें भी अपने रोज़गार बना लें। अभी बारामूला काफ़ी इसमें काफ़ी ये अच्छी प्रोडक्शन है, 68,000 से ज़्यादा भी है, क्योंकि यहाँ नज़दीक में यहाँ मिरगुंड का फार्म भी है और यहाँ भी बहुत सारे फार्मर्स हैं। बारामूला, कपवारा, अनंतनाग, ये ज़्यादा प्रोडक्शन में ज़्यादा आगे है और कोशिश रहेगी आने वाले टाइम में जो ऑटोमेटिक ड्रायर हैं वो भी हम यहाँ पर लगाएं। हमने ऑलरेडी यहाँ जो प्लेट फार्म है, जो मंडियाँ कायम की हैं और आने वाले टाइम में कोशिश रहेगी कि टाइमली हमारा जो मार्केट है वो इनको मिले फार्मर्स को, और जो भी कोई डिजीज़ का इशू है उसके लिए भी हमने टेक्निकल टीमें बना दी गई है और टाइमली इंटरवेंशन करके हम कोशिश करेंगे कि इस साल डिजीज़ फ्री हमारा प्रोडक्शन रहे, क्वालिटी प्रोडक्शन रहे। और जो मलबरी ब्लॉक है उसमें ड्यूकाम साहब ने भी हमें काफ़ी सारा नया ऑप्शन दिया है ज़मीन का, वो भी मैंने अपने डिस्ट्रिक्ट अफसरों को बता दिया है कि अपने DC साहिबान से मिल के जहाँ जहाँ भी आपको वो दिया जाए वहाँ नए हम और भी ब्लॉक कायम करें ताकि लीव बैंक कायम रहे। श्रीनगर में भाजपा नेशनल जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग